सो फाइनली दोस्तों लाहौर 1947 पर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भाई, एक ऐसा एक्शन सीन्स दोस्तों लीक हुआ है जो मेरे पास उसकी वीडियो एंड दोस्तों फोटो आई है, जिसमें सन्नी पाजी एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई साहब सन्नी पाजी के दो दो रूप देखने को मिलेंगे, एक सिंह वाला सरदार वाला और एक दोस्तों मोमडन वाला लुक भी देखने को मिल रहा है। भाई मैंने क्या देख लिया, सॉरी दोस्तों उससे इन्फॉर्मेशन को उस वीडियो को मैं यहाँ लीक नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो जाएगा, लेकिन भाई साहब ट्रस्ट मी गाइज आई एम सो एक्साइटेड यार। भाई लाहौर 1947 जो ये बोल रहे हैं छोटी फिल्म है, बेकार फिल्म होने वाली है, भाई गजब की स्टोरी लाइन है, गजब का बैकग्राउंड, गजब का एक्शन होने वाला है भाई, दबा के एक्शन होने वाला है। इसके अंदर आपको बता दूं कि सन्नी पाजी ने जहां पर गदर में हैंडपंप उखाड़ा, गदर 2 में पूरा खंबा उखाड़ दिया। आपको बता दूं दोस्तों कि लाहौर 1947 में क्या क्या उखाड़ेंगे पूरी रिपोर्ट लेके आओ, देर किस बात की, वीडियो को अंत तक देखना, लाइक कमेंट करना एंड अपने भाई रवि चौधरी को प्यार नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार जरूर करना। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सो भाई लोगों थैंक यू सो मच एवरीवन जो आप अपने भाई को प्यार करते हो, लाइक करते हो और हर वीडियो को देखते हो। हालांकि दोस्तों किसी का कमेंट अगर मैं मिस कर पा रहा हूं तो उसके लिए माफी चाहूंगा, बट आप सब लोगों का सपोर्ट मुझे बराबर मिल रहा है और इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहिए लाहौर 1947 को, फुल सपोर्ट गाइज, फुल सपोर्ट। सो दोस्तों मैंने भी आपको बताया था दो टीजर लाइनअप में है, जिसके अंदर एक टीजर फाइनल होकर जल्दी ही पास होगा और वो जल्दी रिलीज किया जाएगा। टीजर 15 अगस्त पर पूरी उम्मीद की जा रही है कि 15 अगस्त में कुछ बड़ा आएगा दोस्तों। उसके बाद आपको बता दूं कि इसके स्क्रीन शोज को लेकर आमिर खान प्रोडक्शन हाउस पूरी तरीके से, जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर है ऑफ कोर्स, पूरी तरीके से प्लान कर रहे हैं कि इस फिल्म को कितने शोज कितने स्क्रीन्स मिलेंगे एंड पूरी तैयारी चल रही है। हालांकि अभी बुक माई शो पे प्रमोशन स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों जैसे ही टीजर आ जाएगा, जैसे ही कुछ बड़ा पोस्टर आ जाएगा बुक माई शो पे, ऑटोमेटिकली दोस्तों इसका ओपन हो जाएगा इंटरेस्ट, देन उसके बाद हम बुक माई शो पे भी अपना कब्जा कर लेंगे। आपको बता दूं दोस्तों कि अभी एक इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, मेरे सोर्सेज से मुझे पता चला है कि एक वीडियो क्लिप दोस्तों, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से मेरे पास 25 सेकंड का एक क्लिप आया हुआ है एंड एक इमेज भी आई हुई है, वो मैं यहाँ शेयर करूँगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, सॉरी उसके लिए नहीं कर सकता क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिज्म अलाउ नहीं करता। बस दोस्तों वो फोटो एंड वो सीन देखने के बाद ना मुझे लगा ही नहीं कि यार मैं, कुछ लोग नफरती हेटर्स छपरियंस पता है क्या बोल रहे थे, छपरी लोग बोल रहे थे कि भैया इस फिल्म के अंदर एक्शन नहीं है, ये फिल्म बहुत ही बेकार जाएगी, कोई देखेगा नहीं। लेकिन भाई साहब एक सीन इतना ज्यादा वायरल सा हो गया, उसको देखने के बाद गाइस आपको गूजबम्स खड़े हो जाएंगे, मतलब वो एक्शन सीन्स ऐसा है भाई, बहुत ही इमोशनल कंटेंट एंड बहुत ही एक्शन सीन्स भर भर के उसमें। लाहौर 1947 आपको बता दूं पूरी फिल्म जो है दोस्तों 1947 के बैकग्राउंड में है, ठीक है, और आपको बता दूं कि ये इंडिया और पाकिस्तान विभाजन पे ही आधारित पूरी फिल्म, जो कि इसके राइटर वजाहत है दोस्तों, जी हाँ असगर वजाहत। एंड आपको बता दूं भाई कि पूरा बैकग्राउंड 1947 का है, एक सीन जहां पर पाजी जो है दोस्तों वो ट्रेन सीक्वेंस का एक सीन्स है जिसके अंदर आमिर खान का फाइटिंग सीन्स है एंड इसके अलावा दोस्तों अभिमन्यू सिंह एंड सन्नी पाजी का एक्शन सीन्स है उसके अंदर। उस एक्शन सीन्स में, उस ट्रेन सीक्वेंस सीन्स के अंदर सन्नी पाजी का भाई साहब, जैसे आपने पुरानी गदर देखी होगी जिसमें अपना तारा सिंह कैसे ट्रेन पर फाइट करता है, उससे भी खतरनाक, उससे भी खतरनाक VFX एक्शन सीन से। एक सीन तो मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा कि भाई साहब पटरी के अंदर पाजी फाइट कर रहे हैं गुंडों से, ठीक है, और उस टाइम पे आपको बता दूं कि उनका रूप अलग है, उन्होंने पगनी पहन रखा है, रूप अलग है, उसके अंदर पाजी फाइट कर रहे हैं एंड ट्रेन के सामने वो हैंडपंप होता है पकड़ने वाला, अचानक वो पकड़ते हैं और भाई साहब पकड़ने के बाद उसको ऐसा, मतलब पीछे से गुंडा आता है उसको ऐसा पकड़ के ऐसा उखाड़ के फेंकते हैं और वो सीन देखने के बाद रूह कांप जाएगी, क्योंकि यार एक ही झटके से उन्होंने जैसे खींचा ना भाई ट्रेन का वो हैंडपंप, भाई ट्रेन की वो क्या बोलते हैं पोल को, खंबे को, भाई सही बता रहा हूँ मूत निकल के आ गया उसको, क्या बोलते हैं गुंडों को जो विलन्स थे भाई बहुत ही। और इसके अलावा तो एक रात का सीन मैंने देखा जिसमें बैलगाड़ी का एक सीन है जहाँ पे वो पहिया नहीं बोले तो पूरा जो क्या बोलते हैं उसको यार, लकड़ी के, मुझे एक्चुअली वर्ड याद नहीं आ रहा, वो क्या बोलते हैं बग्घा, मान लो बग्घा बोलते हैं, उसको पूरा उठा दिया है, पूरा उठा के फेंका है गुंडों पे, वो सीन भी मतलब गाइस अमेजिंग एक्शन होने वाला यार। और मैं कह रहा हूँ कि पूरा एक्शन में नकलीपन कुछ नहीं, डबल बॉडी का यूज नहीं किया गया, पूरा एक्शन सीन्स रियल था एंड पूरा देसी था दोस्तों, देसी स्टंट था। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था इस फिल्म का प्री प्रोडक्शन कंप्लीटेड है, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, एडिटिंग चल रहा है और फुटेज तो दोस्तों सोर्सेज के अकॉर्डिंग आ रही है, क्योंकि देखो यार
लाहौर 1947 की अगर मैं आपको ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, बट जितने भी अंदर कुछ लोग काम करते हैं उनसे भी मेरा कॉन्टैक्ट है, तो मुझे इन्फॉर्मेशन आती रहती है दोस्तों। तो यही इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, यही इन्फॉर्मेशन बताइए दोस्तों। मैं लेकिन शेयर नहीं कर सकता, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मैं चीज़ें बता नहीं सकता आपको खुल तरीके से। तो दोस्तों इस बात से आपको ये मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि लाहौर 1947 दोस्तों कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है। ये फिल्म है जो लोग बोल रहे हैं कि 100 करोड़ की ओपनिंग लगी, भाई गलत है। ये फिल्म 150 से लेकर 200 करोड़ की ओपनिंग लगी। इस फिल्म के भाई स्क्रीन शोज महज क्या ही बताऊँ, एंड कहा जा रहा है कि टीजर ऐसा बवाल बनने जा रहा है, ऐसा बवाल टीजर आ सकता है दोस्तों। कुछ लोगों ने कहा कि भाई 2 मिनट 65 सेकंड का टीजर तो कोई बनता ही नहीं है 3 मिनट का, लेकिन दोस्तों मेरे पास तो यही डिटेल्स आई थी। बट अगर मान के चलो 3 मिनट का भी टीजर आ रहा है, तो 3 मिनट का टीजर भाई बहुत ही फाड़ू होगा। उसके अंदर सन्नी पाल जी के एक्शन सीन्स को, डायलॉग डिलीवरी को एंड पूरी स्टोरी को दिखाया जाएगा। भाई इस फिल्म में कोई कमी नहीं है, ये मास कमर्शियली एक्शन एंटरटेनिंग फिल्म होने वाली है जो थिएटर में लोगों को नचा देगी, हंसा देगी, रुला देगी, एंड सन्नी पाजी के उसी जलवे को देखने के लिए भाई साहब बता दूं, ये सारी जनता फिर से एक बार देखेगी लाहौर मचाएगी गदर। जी हाँ दोस्तों, देखेगी लाहौर मचाएगी गदर, और यही वो फिल्म है 2025 की न्यू ईयर की शुरुआत अच्छे दिन से होगी दोस्तों, अच्छी शुरुआत होगी। बॉलीवुड को इज्जत जो बचाएगा वो सन्नी पाजी ही बचाएगा। लाहौर 1947 एक ऐसी फिल्म जो कम से कम भी 1000 करोड़ तो पार करना ही चाहिए ग्रॉस में, और न जाने कितनी फिल्मों के रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, न जाने कितने लोग दोस्तों आपको बता दूँ कि हेलीकॉप्टर साइकिल से थिएटर तक पहुँचने वाले हैं। वेल, मुझे पता है कि राजकुमार संतोषी थोड़ी कमियां कर रहे हैं, उनको अभी ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी भी टाइम है दोस्तों, प्रमोशन स्टार्ट कर दो। फिल्म मेकर से अनुरोध कर रहे हैं, फिल्म मेकर को बार बार चेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं भैया कि प्रमोशन स्टार्ट कर दो। उन्होंने तो थोड़ा डिले कर दिया है, लेकिन दोस्तों हमने अपनी प्रमोशन स्टार्ट कर दी है, उनको रहने दो भैया, वो ढीले हैं ढीले रहने दो, लेकिन हमने गदर 2 के टाइम पर प्रमोशन किया था, और आज लाहौर 1947 को 6 महीने पहले से प्रमोशन स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भैया सनी देओल की फिल्म ना सिर्फ ब्लॉकबस्टर हो दोस्तों, सारे रिकॉर्ड खड़ी कर दे, सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। और दोस्तों बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट बता दूं मैं, तो आप सबको पता है कि सन्नी पाजी का ये फिल्म गदर 2 ने इंडिया नेट से 43 करोड़ का कलेक्शंस किया था, लेकिन उस टाइम पे अनिश शर्मा की फिल्म गदर 2 भी उनके लिए एक पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन दोस्तों लाहौर 1947 की जो हाइप बनी है गाइस बिलीव मी बहुत सुपर है। तो दोस्तों वो एक्शन सीन देखने के बाद अब मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि भाई जो लोग सोच रहे थे, जो छपरी लोग बोल रहे थे कि एक्शन नहीं है, भाई एक्शन भरपूर होने वाला है, बहुत जबरदस्त एक्शन है भाई, बहुत जबरदस्त एक्शन है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं कि लाहौर 1947 का बज सुपर हुआ पड़ा है, आप सभी के कमेंट बराबर आ रहे हैं, सनी देओल फैंस असेंबल हेयर, और भाई साहब लाहौर 1947 को फुल सपोर्ट कीजिए। अब दोस्तों इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर है एआर रहमान है, जहाँ तो मुझे याद है एआर रहमान का म्यूजिक है, तो आप सोच सकते हो इसके अंदर कौन कौन सिंगर होगा। भाई बता दूं अरिजीत का सॉन्ग है, उदित नारायण का सॉन्ग है, इसके अलावा अलका याग्निक के कुछ पार्ट सॉन्ग हैं, इसके अलावा दोस्तों मिथुन जो है ना सिंगर, उनके भी सॉन्ग हैं, एंड सोनू निगम के भी सॉन्ग बताए जा रहे हैं। जी हाँ, मतलब काफ़ी बेहतरीन सॉन्ग है दोस्तों। एंड क्या बोलते हैं, प्रीति जिंटा का कहा जा रहा है कि उनका लुक और कैरेक्टर काफ़ी अलग होने वाला है। जी हाँ, एक सीन तो ऐसा बताया जा रहा है कि करण देओल अपने पिता से ही बहस कर रहे होते हैं, मतलब एक फाइटिंग सीन है पिता और पुत्र के बीच में, तो वो भी सीन है। तो दोस्तों लाहौर 1947 के ये एक्शन सीन्स को मैंने बता दिया, भाई किसी को बताना मत, समझ गए, किसी को बताना मत दोस्तों, और ऐसी अपडेट आपको देते रहूँगा। लाहौर 1947 फुल सपोर्ट दोस्तों, गाइस प्लीज सपोर्ट करो, इस मूवी को हमें 500 करोड़ से ऊपर लेके जाना है, वो तब पॉसिबल होगा जब आपके कमेंट 500 बार आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, इसी तरह प्यार देते रहिए, सनी देओल जिंदाबाद, लाहौर 1947 फुल सपोर्ट गाइस, लव यू, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू, टेक केयर, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत।